शहर में इन दिनों साइबर अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए हैं। इनके हौसलों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने बीजेपी विधायक को ही नहीं छोड़ा। बीजेपी के शहर सीट से विधायक रितेश गुप्ता का फर्जी फेसबुक अकाउंट तैयार कर लिया गया, जिसके बाद उस अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी जा रही है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद रितेश गुप्ता ने कल सही थाने में अज्ञात के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा लिखा दिया है। कल रात को मेरे को ज्ञात हुआ कि मेरे नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बना ली गई है और जिस व्यक्ति ने ये फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है उसने पूरे शहर में लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजनी शुरू कर दी, जिसमें लगभग 500 से 600 लोग जोड़ चुके थे। कल रात तक ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने SSP मुरादाबाद, SP सिटी, CO कटघर और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ थाना गलशेर था, इंस्पेक्टर गलशेर से मैंने तुरंत बात की, उसकी शिकायत दर्ज कराई और उसके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए गलशेर थाने में कल रात को भेज दिया था मैंने। इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कोई उस फेसबुक आईडी का मिसयूज कर सकता है, कोई गलत उसमें पोस्ट गलत डाल सकता है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए तुरंत मैंने इस पर कार्रवाई कराई। क्या लगता है, क्या मकसद रहा होगा? मेरे को ये लगता है कि जो मेरे को समझ में आ रहा है कि उस फेसबुक आईडी से वो कुछ गलत भ्रामक प्रचार भी कर सकता है या कुछ गलत उस पर पोस्ट डाल सकता है जिससे कि माहौल खराब हो या बदनाम करने की नीयत से मेरे को ये फेसबुक आईडी बनाई गई। कल से हमारा जो है बुद्धि बिहार डेली सब जगह है, पर डे कल वाला देख लिया प्लीज। ये कल रात में माननीय विधायक जी जो शहर विधायक हैं उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन थाना गलशेर पर प्राप्त हुई कि उनकी एक फेक आईडी फेसबुक पर किसी ने बनाई है और उसके साथ में वो लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, जिसकी जानकारी उनको हुई। इस संबंध में आईटी एक्ट का मुकदमा थाना गलशेर पर लिख लिया गया है। उस फेक आईडी अकाउंट को बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही जिस व्यक्ति ने ये अकाउंट बनाया है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की।